मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टीन्स लाइफ। सो गाइज, आज हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे। हम मतलब मैं अकेले ही बना रही हूँ। सो आज बन रहे आलू के पराठे और शुभम गए हैं नहाने, सो मैं फटाफट से बना लेती हूँ आलू के पराठे ब्रेकफास्ट। इतनी बार बोल दिया मैंने आलू के पराठे, बना रही हूँ आलू के पराठे, बनने जा रहे हैं आलू के पराठे, तो बस अभी फाइनली बना ही लेते हैं, तो मैं जा रही हूँ अभी बनाने। सो ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, अभी मैं जा रही हूँ नहाने और स्टोरमी सो रही है यहाँ पे। स्टोरमी को पता नहीं क्या पहना दिया काजल ने और यहाँ पे कुछ तो कर रही है काजल, और बस मैं जा रही हूँ नहाने, मैं मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। सो लो जी, मैं आ चुकी हूँ नहा के और अभी मैं जा रही हूँ लंच करने, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मैंने लंच में आज क्या बनाया है। आज लंच में बना है, शुभम को तो टिफिन मैंने पैक करके दे दिया था, और ये बना है वो रोंगी होती है ना, रोंगी जिसे हम लोबिया भी बोलते हैं, उसका मदरा, ये हिमाचली मदिरा, मदिरा मतलब शराब वाला मदिरा नहीं, ये है मतलब ये दही में बनता है, जैसे मैंने एक बार बनाया था ना व्हाइट चने का, वैसे उस दिन थोड़ा दही कम था तो ये वो बना मदिरा, ठीक है। और तो ये लोग आ चुके हैं फाइनली एक घंटे के बाद। कर दिया नहीं है मैडम, सामने रखे हुए पहला, भाई ये क्या है, फिर भी पता नहीं ना होता क्या नाम होता, मतलब वैसे ही वर्कर होते हैं, ओनर कोई और होता है, बेटा आप इधर रहो। सो अभी हम आ चुके हैं घर वापस और मैं लेके आई हूँ अपने लिए समोसे। हमारे ना घर के पास बहुत अच्छे से समोसे मिलते हैं, समोसे और मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी मिलती हैं, पर मुझे समोसे पसंद है तो मैं ले आई वो। सो अभी बस चाय बन रही है, चाय के साथ मैं खाऊंगी समोसे। मेरे सिवा ये कोई नहीं खा रहा, बस मैं ही खा रही हूँ, पता नहीं यार नहीं खाना चाहिए मेरे को, पैसे बहुत मोटी होगी पर क्या करूँ, इससे ये नहीं खाता तो बस फिर खा रही हूँ, बस चाय मेरी आ रही है। सो चाय मैंने फिनिश कर ली है और अभी मैं सोच रही हूँ कि यार थोड़ी देर में ना वॉक करने जाती हूँ, क्योंकि आज मैंने समोसे भी खा लिए यार, जो कि मेरे को नहीं खाने चाहिए थे, तो उसी का प्रायश्चित करने जाऊंगी मैं, प्रायश्चित होता है पश्चाताप करने जाऊंगी मैं। सो बस वही यार, समोसे खा लिए, अपना बड़ा गिल्टी फील होता है खाने के बाद, गिल्टी फील होता है खाने से पहले, तो लगता है खा लो कुछ नहीं होता, कल से डाइटिंग है ना तो खा तो लिए, तो अभी मैं जाऊंगी थोड़ी देर में वॉक करने और फिर देखते हैं क्या करना है। A few moments later. तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं वॉक करने नहीं जाऊंगी यार, वॉक करने से क्या होता है, घर पे बहुत सारा काम है, तो मैं ये फिनिश कर लेती हूँ फटाफट से, थोड़ा फास्ट फास्ट करूंगी ताकि थोड़ा सा मतलब ऐसे लगे कि हाँ कुछ एक्सरसाइज करिए या वर्कआउट हो गया, वैसे इतना ज्यादा काम तो नहीं है, लेट्स सी क्या होता है ना। और यहाँ पे स्टोरमी, इसने ना तंग कर दिया, देखो ये बॉक्स है ना छोटा सा जिसमें इसका बैग आया था, अभी भी मैंने यहाँ पे रखा क्योंकि खेलती है इसके साथ, तो देखो जी स्टोरमी इसके अंदर घुस के बैठी है। स्टोरमी म्याऊ, स्टोरमी बेबी, देखो ऊपर देखो, अरे नहीं इसे नहीं पकड़ना थी ना, स्टिक पकड़ रही है। स्टोरमी नो 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 नो। और यहाँ पीछे अभी भी चल रहा है काम, काजल काम कर रही है कुछ, क्या कर रहे हो आप, काम चल रहा है कुछ तो कुछ काम चल रहा है, मैं भी काम कर लेती हूँ। और शुभम अभी भी वॉशरूम में है, शुभम मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वॉशरूम में ही मिलेंगे, है ना शुभम, सुन नहीं रहा, वॉशरूम में है शुभम। और शुभम को भी जाना है जिम, और मैं खाना वाना बनाती हूँ और थोड़ा बहुत घर बिखर सा गया, थोड़ा सा बिखर मतलब थोड़ा सा इधर उधर रखा सामान वो सेट करूँगी, खाना बनाऊँगी और चाय के थोड़े बहुत जो पड़े हैं मुझे ये वॉश करनी है, ये है काम जो अभी मेरे को काम करना, मैं कह रही हूँ ना कुछ करती हूँ, ये पड़े हैं, खाना बनाना है, और आधे ना जो कपड़े थे सूख गए थे वो मैंने कल ही कर लिए थे फोल्ड, कल नहीं सुबह किए थे वेट, तो ये हम स्टोर में ही रखते हैं। ओ यार कपड़े तूने फोल्ड कर दिए थे ना सुबह, तो मुझे लगा कि अभी भी यहाँ पे रखे हुए, कब गए थे, तो आज को मैं कहाँ थी, बाहर गई थी, बाहर कहाँ, मैं तो बाहर गई नहीं, स्टोर में को लेके गई थी जब, तो कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया, धन्यवाद, मुझे लगा था अभी भी हैं रखे हुए, पहले वो कर लेती हूँ, चलो जो नहीं है तो अच्छी बात है, अभी फटाफट से मैं बना लेती हूँ खाना, पहले बर्तन साफ करूंगी फिर बनाऊंगी खाना। आज डिनर में बना है करेला, भरवा करेले की सब्जी बनी है आज, और साथ में हम खाएंगे दही और चपाती,
जो कि शुभम के आने के बाद ही बनेगी, पहले तो एग्स बॉईल करने रखूंगी। सो लो जी, किचन का काम तो फिनिश मैंने कर दिया है। सो अभी बड़ा स्वेट सा आ रखा है, आपको पता ही है यहाँ पे गर्मी कितनी है, तो उस वजह से बहुत ही ज्यादा स्वेट आता है। जितनी मर्जी बार नहा लो, जब भी आप किचन में काम करते हो ना, आपको दोबारा नहाना पड़ता ही है यार, ऐसा है। तो बस अभी काजल गई है नहाने, जैसे ही वो आती है तो उसके बाद मैं जाऊंगी, और अभी शुभम आए नहीं है, मैं वेट कर रही हूँ शुभम आए तो मैं तभी एग बॉईल करने रखूंगी, क्योंकि ना फिर बहुत अजीब सा हो रहा था ना, ठंडे ठंडे से कौन ही खाएगा, और इतनी देर के लिए क्या ही रखूँ बॉईल करने के लिए, जब आएंगे तभी मैं रखूंगी। हैरी हैरी हे कसामा कसा पहली बार तो कसामा नहीं कजामा कजामा तो वही है तू कजामा क्यों क्या बोल रहे हो वो वाला अरे वो मसाओ है तो फिर मसाओ है मसाओ ओ मसाओ क्या कर रहे हो सही बताऊं तो मसाओ तो तुम हो मोटा सा होता है और जिसकी आवाज मोटी होती है अरे शिनचान क्या कर रहे हो अरे बोचन बोचन नहीं भाई जिसकी नाक बहती रहती है हाँ वो बोचन होता है तू बोचन मेरी नाक बहती रहती है तूने अपनी खुद ही करवा ली बेस्ती पूजा तुमने पूछा कि वो कौन है जैसे बोलते हो जिससे तुमने बोल के दिखाया वो तो बोचन बोलता है और काजल पता है क्या है कौन है काजल तुम खुद बता सकते हो कौन सा कैरेक्टर है काजल है उसकी शिनचैन की छोटी बहन अरे नहीं इतनी रोटी कहाँ है ये पता कौन है नैनी जो जरा जरा सी बात पे सड़ जाती है फिर जाके अपने उसे उसके पास टैडी होता है उसे पीटती है जोर जोर से तुम क्या मैं तो कुछ भी नहीं हूँ तू सच में शिनचैन है यार नॉटी काजल पहले बताओ नैनी है कि नहीं है एक उसकी जो मैडम है वो कौन होती है जिस पे वो करता है जिसे वो पसंद करता है मिस कौन सी मिस कौन सी मिस यार मेरे को नाम यार तुम्हें तो पूरे कैरेक्टर्स के नाम यार काजल काजल उसकी शिनचैन की मैडम का नाम क्या होता है जिसको टीचर बता रही है काजल तुम्हें पता क्या बता रही है कौन सा कैरेक्टर बता रही है तुम जो बार-बार सड़ जाती है नहीं मेरी बात नहीं मानी दे बेटा पीट डालो इस गुड्डे को छोटे से अपने टैडी को पीटती नहीं फिर वो और तुम असाओ है अरे शिनचैन क्या कर रहे हो अरे इधर आओ खेलें ऐसे नहीं बोलता अरे शिनचैन वो तो ऐसे बोलता है तो फिर वो जो ऐसे मोटी आवाज वाला कौन है बोचैन अच्छा कजामा जो इंटेलिजेंट है वो भी ऐसे ही बोलता है मोटी आवाज तुम कजामा है अरे शिनचैन आओ प्लेग्राउंड में चलते हैं कुछ खेलते हैं वो तो बोचैन है कजामा तो अरे शिनचैन चलो वो तो ऐसे बोलता है एक्टिव होके काजल क्या नाम होता है उसकी मैडम का जिसे जो से अच्छी लगती है यार वो सब तो ठीक है हमारा बोचैन का है नाम नहीं आता बोचैन का है मिस कौन सी मिस ये कितने डम लोग हैं नहीं याद ही नहीं है सारे कैरेक्टरों में मुझे बाकी सारे कैरेक्टर बताना सब सारे उसके सारे फ्रेंड्स के नाम बता दे एक बार मसाओ हाँ नानी उसकी मम्मी का नाम क्या होता है मिक्सी अरे मिक्सी क्या कर रही हो कितना देर लगा दी खाना बना दो प्लीज बहुत जोर से भूख लगी है हैरी खाना बन चुका है सो गाइज इस ब्लॉग को कर रही हूँ मैं यहाँ पे एंड अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो आप प्लीज इसे लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जल्दी मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय और मैं जा रही हूँ अभी नहाने